हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा वन डे एग्ज़ाम चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसमें कि स्वर और व्यंजन के बारे में। तो इसमें हम 20 क्वेश्चन जो इसमें लेके आ रहे हैं, और आप लोग भी हमारे साथ करिए और हमें बताइए कि आप लोग के जो है कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो जिससे फिर हम आगे नई वीडियो बना सकें। तो चलते हैं दोस्तों आगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या में बताना है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो ये 52 वर्ण होते हैं हमारे। और हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण यहाँ पे जो है दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक होते हैं स्वर के वर्ण और दूसरे होते हैं व्यंजन के वर्ण। व्यंजन की परिभाषा में बताना है, तो व्यंजन की परिभाषा नहीं, व्यंजन हम किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर वाले वर्ण नहीं, इसे नहीं कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, हाँ स्वर की सहायता से हम बोले जाने वाले वर्ण को हम व्यंजन कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही है इसमें। वर्णमाला कहा जाता है, वर्णमाला किसे कहा जाता है, यानी कि इसमें हो जाएगा हमारा लिपि में मान्य चिन्ह या वर्णों के समूह को। तो जो लिपि में मान्य चिन्ह वर्णों के समूह हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। महाप्राण का अर्थ है, इसमें बताया महाप्राण जो वर्ण है इसका हमें अर्थ बताना है। तो महाप्राण उसे कहते हैं कि जिनके उच्चारण में श्वास का समय अधिक लगे उसे महाप्राण कहते हैं, और कम समय लगे तो उसे कहते हैं अल्पप्राण। तो महाप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं हमारे, तो जो हमारे वर्गों में जिस प्रकार से व्यंजन को डिवाइड किया गया है, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो महाप्राण, महाप्राण में यानी कि जो सम स्थान पर रखे गए हैं, जैसे कि दो चार पे जिस पे रखे गए हैं, तो उनको हम महाप्राण कहते हैं। और अल्पप्राण यानी कि विषम स्थानों पर रखे, यानी कि पहले, तीसरे और पांचवें, तो 1, 3, 5 पे जो रखे गए उन शब्दों को हम अल्पप्राण कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा हो जाएगा ए नंबर। इसमें बताना हमें कौन सा कथन इसमें असत्य है, कौन सा कथन असत्य हमें बताना, सत्य नहीं असत्य हमें बताना है। तो प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है, हाँ प्रत्येक व्यंजन स्वर की ध्वनि, ये हमारा सही है। प्रत्येक व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, हाँ वर्गीय व्यंजन क्यों है, वर्ग में डिवाइड किया गया है। छत्र ज्ञ स्वतः उच्चारित वर्ण है, तो ये जो है स्वतः उच्चारित वर्ण नहीं है, ये जो है स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें बताना है कि अल्पप्राण, तो अल्पप्राण कौन कौन से शब्द आते हैं, यानी कि जो कि पहले, तीसरे और पांचवे पर रखे गए हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, यानी क और ग हमारे अल्पप्राण हैं। इसमें बताना है प्रकंपित यहाँ पे व्यंजन बताना है, तो प्रकंपित व्यंजन यानी कि जिसमें जो है उसको बोलते समय जो है कंपन उत्पन्न हो, तो कंपन यानी कि इसमें र हमारा जो है प्रकंपित व्यंजन है, और इसे हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। इसमें बताना है नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो नासिक व्यंजन यानी कि जो नाक के द्वारा बोला जाएगा, तो नाक के द्वारा हमारे जो होते हैं अंग, य, अड, न, म, ये सभी हमारे जो है नासिक व्यंजन का, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई है, तो ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई तो हम उसे कहते हैं अक्षर, क्या कहते हैं उसे, अक्षर कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, कंठ व्यंजनों का उच्चारण होता है। तो जो कंठ से यहाँ पे बताए गए हैं, तो कंठ के व्यंजन यानी कि जो कंठ से बोले जाएंगे, तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। ओष्ठ व्यंजन समूह, तो ओष्ठ यानी कि जो ओठ से बोले जाता है, तो ओठ से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, प, फ, ब, भ, म, हमारा जो है इसमें लास्ट ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। ए आई, तो ए आई हमें बताना है, ए आई किससे बोले जाते हैं, नासिक से नहीं, मूर्धा से नहीं, ओष्ठ, ओष्ठ बिल्कुल नहीं बोले जाते हैं, कंठ तालव यानी कंठ और ताल इसमें मिल करके, तो ऑप्शन डी सही है। इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है, स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन यानी कि जितने भी हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सभी जो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारा सभी सही हो जाएगा। ई ई, तो ई ई कहाँ से बोला जा रहा है, ई ई, ई ई बोला जाता है हमारे जो है तालू से। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन इसमें बताना है, अंतस्थ, उष्म और संयुक्त, अंतस्थ व्यंजन में आता है हमारा य, र, ल, व, तो ऑप्शन इसमें जो है बी सही हो जाएगा। उष्म व्यंजन कौन आता है, स, 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 ह, और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हमारे इस प्रकार के यहाँ पे व्यंजन डिवाइड किए गए हैं, तो ऑप्शन इसमें हमारा यह जो है अंतस्थ व्यंजन है, बी ऑप्शन सही है।
17 में बताना है क्वेश्चन नंबर व का उच्चारण स्थान है तो व कहाँ से बोला जाता है, वह बोला जाता है हमारा दंत और ओष्ठ से, यानी ऑप्शन सी सही है। त वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है तो त वर्ग का त कहाँ से बोला जाता है, त बोला जाता है यहाँ पे द, ये जो त वर्ग की पूरी लाइन है त थ द ध न, ये हमारे जो है दंत से बोला जाता है, ऑप्शन ए सही है। च और छ वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है, च और छ जो हमारे वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान बताना है तो च छ कहाँ से बोले जाते हैं, च छ बोले जाते हैं तालु से, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क और ख का उच्चारण स्थान बताना है तो क और ख, क ख कहाँ से बोले जाते हैं, क ख ग ग, ये क वर्ग की पूरी लाइन हमारी जो है कंठ से बोली जाती है, तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही है। तो थैंक यू दोस्तों, और आप लोग हमें बताइए कि कितने क्वेश्चन जो है आपके सही हो रहे हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने हमारे ये वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम वीडियो डालें तो आप तक जो है जल्दी से पहुँच सके। इसके लिए जो है आप लोग बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।